दोस्तों नमस्कार, एनुअल डिफेंस अपडेट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज पूरी दुनिया भर में ताकत के मामले में भारत का डंका बजता है, क्योंकि भारत ने पिछले 10 से 15 सालों में लगातार डिफेंस इक्विपमेंट्स में काफ़ी ध्यान दिया है। यहां तक कि डिफेंस का बजट भी भारत लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। भारत लगातार नई मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, वह कहीं से भी हो सकती है, जमीन से, हवा से या पानी से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत की अग्नि 5, K5 और K6 मिसाइलों और उनकी मारक क्षमता और भारत के रक्षा शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों आज दुनिया एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। दुनिया भर में युद्धों का बाजार काफी गर्म है, ऐसे में भारत की मिलिट्री ताकत लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसी कड़ी में हाल में DRDO ने स्मार्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके बाद अग्नि 5, K6 और K5 जैसी मिसाइलों की चर्चा पूरी दुनिया में जोर पकड़ रही है। ऐसे में दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत लगातार मिसाइल क्षेत्र और एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके अलावा भारत नौसेना में भी लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के साथ साथ युद्ध पोतों का निर्माण भारत में सबसे तेज गति से चल रही है। भारत नौसेना के क्षेत्र में पनडुब्बियों में सबसे ज्यादा भरोसेमंद K सीरीज की मिसाइलें लगातार चला जा रहा है और K सीरीज की मिसाइलें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। नौसेना में नई पनडुब्बियों में भारत लगातार नए नए पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। ऐसे में K5 और K6 SLBM मिसाइलों की जरूरत भारत को ज्यादा है, क्योंकि भारत समुद्री रक्षा क्षेत्र को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। हालांकि भारत के पास अग्नि 5 जैसी मिसाइल है जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर और ICBM मिसाइलों में से एक है। इसी मिसाइलों के दम पर भारत की ताकत का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। नमस्कार।